इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने टीचिंग करियर में ग्रो कर सकते हैं बाय स्टेप, क्योंकि मैंने अराउंड 12 टू 13 इयर्स प्राइवेट स्कूल्स में जॉब किया एंड दिल्ली के ऑलमोस्ट अच्छे से अच्छे स्कूल में जॉब किया। यस, अपनी बिगिनिंग में मैंने जब अपनी शुरुआत करी थी बहुत छोटे स्कूल से करी थी, तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इतने छोटे छोटे स्कूल्स के बाद इतने अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करके अपना गवर्नमेंट जॉब पाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो कि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं मेरे जनरली जो सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर टीचर्स एंड दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट। आप में से काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो अभी अभी जस्ट टीचिंग कोर्स करके निकले होंगे एंड दे आर इन अ सर्च ऑफ जॉब्स। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने अपनी जो शुरुआत थी बहुत छोटे स्कूल से की थी, दैट इज़ ओजस पब्लिक स्कूल इन सेक्टर 17 रोहिणी। यस, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ नहीं देखा था, बस अपने बीएड के एग्जाम्स दिए थे और अपनी हार्ड कॉपी, सीवी की हार्ड कॉपी, कम से कम 10-12 हार्ड कॉपी मैंने अपनी सीवी की निकलवाई थी। बहुत अच्छे से अपना सीवी बनाया था, ऑल्दो इतना अच्छा मेरा सीवी नहीं था बिगिनिंग में, पर जैसा भी था मैंने बनाया। और मैंने ये सोचा था कि रोहिणी के जितने भी स्कूल्स होंगे मेरे घर के आसपास, मैं अर्लियर आई वॉज लिविंग इन सेक्टर 18 रोहिणी, तो मैं अपने घर के आसपास जितने भी स्कूल्स होंगे उसमें डालूंगी और मुझे बस एक बार शुरुआत मिल जाए कि मुझे एक स्टार्टिंग जहाँ पे मेरे को करनी हो। और मैंने जगह जगह 6-7 स्कूल्स के अंदर अपना सीवी को डाला और जब मैं ओजस पब्लिक में गई अपने सीवी के साथ, तो वहाँ पे ऑलरेडी वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे थे। उस टाइम पे सैलरी इतना मैटर नहीं करती है, आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी, अगर सबसे पहले आपका, जब आप लोग अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं रिलेटेड टू टीचिंग, तो सबसे पहले सैलरी के पीछे मत भागिए, हमेशा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई छोटा स्कूल भी मौका देता है काम करने का, तो वहाँ पे कम से कम टिक के 1 साल ज़रूर नौकरी करिए। छोटे स्कूल में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, आप लोगों को गलती करने का काफ़ी मौका मिल जाता है, आप गलती करते हैं पर उसके लिए आपको समझाया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप बड़े स्कूल्स में जॉब करते हैं और गलती हो जाती है तो काफ़ी सारी डांट भी लगती है और कई बार जॉब भी चली जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि शुरुआत, हमेशा बोलते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, तो शुरुआत हमेशा छोटी जगह से करनी चाहिए, छोटे स्कूल से करनी चाहिए। मुझे वहाँ पे मौका मिला और मैं TGT साइंस सिलेक्ट हुई और उस टाइम मेरे को 10,000 रुपीज़ मिले, आज से 15 साल पहले, और 10,000 रुपये में मैंने वहाँ पर जॉब ज्वाइन किया। और मैं वहाँ पर मैथ्स साइंस पढ़ाती थी, बट यस 1 साल के बाद मैंने वहाँ पर मैथ्स भी पढ़ाया 7th 8th को। वो स्कूल 8th क्लास तक है और अभी तक भी वो 8th क्लास तक है, मेरी फ्रेंड अभी भी वहीं पे जॉब करती हैं। बट येस, एज यू नो कि हर साल इंक्रीमेंट का टाइम होता है, हमें हमेशा एक 10% इंक्रीमेंट टीचर्स उम्मीद करती हैं कि वो इतना मेहनत करती हैं तो कम से कम उनकी सैलरी में 10% हाई, 10% तो उन्हें मिले। बट जब भी मैं जाती थी सर के पास बोलने के लिए कि अब इंक्रीमेंट का टाइम आ गया है, तो क्योंकि स्कूल बहुत छोटा था तो यही बोला जाता था कि ज़्यादा एडमिशन्स नहीं है, सैलरी नहीं इंक्रीज कर पाएंगे, अगर आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप लोग जा सकते हैं। बट मतलब ये डायलॉग सुन सुन के ना मैं हर 10 तारीख को सैलरी आती थी वो मैं थक चुकी थी, और इतना कम सैलरी में जॉब करना और फिर टैलेंट होने के बाद बीएड में ऑलमोस्ट उस टाइम 1 साल की थी, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये खर्च किए थे मेरे पापा ने, और 1 लाख खर्च करने के बाद अगर आप 10,000 रुपये जॉब करते रहोगे तो फिर इट इज़ यूजलेस। अगर आप इतना अच्छा अर्न ही नहीं कर पा रहे हो कि आप अपनी ज़रूरत ही नहीं पूरी कर पा रहे हो, तो 2.5 साल तक ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे जॉब करी विदाउट एनी इंक्रीमेंट। और सच बताऊँ तो मैंने कहीं पे किसी भी स्कूल में कोशिश ही नहीं करी, बट जब हर बार मैं सुनते सुनते थक गई थी कि इंक्रीमेंट अगली बार होगा जब स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे यहाँ से क्विट करना है, आई वॉन्ट टू क्विट और मुझे एक अच्छे स्कूल में जॉब करनी है एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बस जिस दिन मैंने ये सोचा था, मान लीजिए कि 2009 में मैंने ज्वाइन किया था ओजस पब्लिक और 2012 के मैंने फरवरी मार्च में सोच लिया था और अप्रैल में मैंने स्कूल छोड़ दिया था। आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जब हम कुछ भी चीज़ सोच लेते हैं ना और उसके पीछे हमें ना पागलों की तरह जुनून होना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे प्राइवेट की बात करें चाहे गवर्नमेंट की जॉब करें। और मेरे अंदर वो जुनून था कि मुझे अब यहाँ से क्विट करना है, मुझे यहाँ से अब छोड़ना है और मुझे एक अच्छे स्कूल में जॉब करना है विद गुड सैलरी स्ट्रक्चर। और बस कमी ये थी कि इंग्लिश स्पोकन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि एवरेज स्कूल था तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, हमसे बोला जाता था बट हम प्रिंसिपल के सामने ही बोलते थे इंग्लिश, बट वैसे नहीं बोलते थे। बट मेरी एक फ्रेंड है अभी भी वहाँ पे जॉब करते हैं, सीमा मैम, हम लोगों ने, शी इज़ अ इंग्लिश टीचर, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आज से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे। और उसी दिन से हम लोगों ने इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी और धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद धीरे धीरे इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंस आने लगा बोलने का,
और ये भी सोच रखा था कि रोज 5 से 10 न्यू वर्ड्स हम डिक्शनरी से ढूंढ के लाएंगे और एक दूसरे को बताएंगे और उसका यूज़ करेंगे अपनी रेगुलर सेंटेंसेस में। बस क्या था, जब हमारी इंग्लिश धीरे धीरे मेरी इम्प्रूव होने लगी, मैंने फिर अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स में अप्लाई करने लगा। मेरी मम्मी मेरे साथ हमेशा जाती थी, तो जिस दिन मैं अपने हार्ड कॉपी सीवी के साथ गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल पहुंची और बस अपना सीवी सबमिट करने ही गई थी, सी उस टाइम ना सीवी हार्ड कॉपी में सबमिट होता था, इतना ईमेल की मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि, बट अब मुझे ये होता था कि मैं उनके हाथ में देके आऊँगी, रिसेप्शन पे देके आऊँगी। अब आप में से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होंगे, मैं थोड़ा सेफर साइड से चलती हूँ कि क्या पता वो मेल चेक ना करें, और मैं रिसेप्शन पे पर्सनली देके आती थी। आजकल के टाइम में अगर आप लोग सीवी को मेल भी करेंगे इनकी वेबसाइट पे, ईमेल आईडी पे, तो काम चल जाता है। तो उस दिन जब मैं गीता रतन रिसेप्शन पे गई, उस टाइम उन्होंने मुझे बोला रिसेप्शनिस्ट ने कि मैम वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, बट मैंने बोला कोई बात नहीं, जॉब तो लगी हुई है, जो होगा देखा जाएगा। मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट बनके, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे गई अंदर। उस टाइम मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं किया था, मम्मी को मैंने रिसेप्शन में बैठाया, मैं डायरेक्ट अंदर चली गई। वहाँ पे सबसे पहला ही राउंड था हमारा जीडी, ग्रुप डिस्कशन, जो मैंने कभी अटेंड भी नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कैसा होता है। बट येस, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस था और ये था कि मुझे चेंज करना है, तो मैंने बस वो जीडी में पार्टिसिपेट किया और क्लियर हो गया वो। उसके बाद हमारा जो इंटरव्यू था, इट वॉज विद वाइस प्रिंसिपल मैम। उन्होंने कुछ नॉलेज के क्वेश्चंस किए जो मैंने बता दिए। मैं बुक्स के टच में हमेशा रहती थी कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो बुक्स आपकी, बोलते हैं ना, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, वो आपको कभी धोखा नहीं देती है। एक बार कोई इंसान आपको धोखा दे देगा, कोई भी रिलेशन आपको धोखा दे देगा, बट येस, आपके पेरेंट्स के अलावा और आपकी बुक्स के अलावा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी धोखा नहीं देती। एमरजेंसी के टाइम पे, बुरे वक्त के टाइम पे, यही आपका हथियार बन के आपको जीत दिलाती है, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, मैं अभी तक ये बिलीव करती हूँ। सो मैंने अच्छा है मेरा इंटरव्यू गया। मेरे ज़्यादातर मैम ने क्वेश्चंस किए, इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने सब चीज़ें बता दी थी। एक दो चीज़ों में मैं अटकी थी, कन्फ्यूज थी, क्योंकि मैं 9th 10th उस टाइम नहीं पढ़ाती थी, मैं 8th तक ही पढ़ाती थी, तो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हुई, तो मैंने रॉन्ग आंसर नहीं दिया। तो आपको भी इंटरव्यू में अगर कहीं पर कुछ सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है और आपको नहीं याद आ रहा है, नहीं आता है, तो डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स। रॉन्ग आंसर्स ना हमें बहुत गलत इंप्रेशन देते हैं। हमेशा बोलिए दिस टाइम आई डोंट रिमेंबर दिस आंसर, तो आई डोंट वॉन्ट टू गिव रॉन्ग आंसर, तो मेरे माइंड में भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो गलत देने से तो अच्छा है कि आंसर ना ही दें। उसके बाद मेरा इंटरव्यू जो हुआ था डायरेक्टर मैम के साथ हुआ था, मिस सोनिया जिंदल, आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग वहाँ पर जॉब किए तो। वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ, मैम ने सिर्फ सैलरी वगैरह की बात करी और ये पूछा कि कब से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो बिलीव मी, मैं 10 अप्रैल को मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी 2012, और 11-12 का जो था सेकंड सैटरडे और संडे था, और 13 से मैंने वहाँ पे स्कूल में ज्वाइन कर लिया था। मैंने अपने प्रेजेंट स्कूल जो था उसमें बताया तक नहीं, जब उन लोगों ने मेरे को कमिट करके मेरी इंक्रीमेंट नहीं करी, तो बस मैंने 13 तारीख को ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं हुए थे पुराने स्कूल में, उस टाइम नहीं होते थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट, और मैंने ज्वाइनिंग के लिए हाँ भी कर दी, और मैंने 13 तारीख से गीता रतन जिंदल ज्वाइन भी कर लिया। एंड बिलीव मी, मैंने एज अ पीआरटी टीचर शुरुआत में ज्वाइन किया, सिर्फ इसलिए कि कोई बात नहीं, एक बार मैं एंट्री दे लूँ, उसके बाद मैं अपने टैलेंट से, अपने हार्डवर्क से टीजीटी तक भी पहुँच पाऊँगी। और ऐसा ही हुआ, मैंने 1 महीना क्लास 1 भी पढ़ाई, क्लास 3-4 भी पढ़ाई, बट येस, 1.5 महीने के बाद जब मैम ने मेरा कैलिबर देखा, मेरी परफॉर्मेंस देखी, तो मैम ने मेरे को डायरेक्ट 6th 7th क्लास दी साइंस, और उसके बाद मैंने वहाँ पर 2 ईयर्स तक वर्क किया। बट येस, ड्यू टू मैरिज मैंने बीच में स्विच कर दिया था वहाँ पे 2 साल करने के बाद। मुझे मेरा ड्रीम जॉब था कि मैं क्वीन मेरी स्कूल में काम करना चाहती थी, तो सेक्टर 25 रोहिणी में मैंने पहले भी काफ़ी टाइम पहले CVs ड्रॉप किए थे, फॉर्म भरा था, पर वहाँ से कभी भी कॉल नहीं आया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। बट येस, जब मेरा गीता रतन जिंदल का एक्सपीरियंस मेरे CV में जुड़ा, जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा कि मैंने गीता रतन जिंदल में जॉब कर रही हूँ मैं, तब जाके मुझे कॉल आई। उजस पब्लिक के नाम से कोई कॉल नहीं आई, बट येस, गीता रतन ने मुझे चांस दिया वर्क करने का, और वहाँ से मेरे करियर की बस शुरुआत हो गई थी। अपवर्ड्स, डाउन से मैंने अप चलना शुरू किया था, और उससे अच्छे अच्छे स्कूल से मैं जॉब करती रही। इन क्वीन मैरी में मेरा TGT साइंस के लिए सिलेक्शन हुआ, बट येस, PRT के लिए भी मेरे को क्लासेस दे रखी थी, 2 PRT दे रखी थी और 2 TGT क्लासेस दे रखी थी। एंड सैलरी वगैरह भी येस, ऑफकोर्स अच्छी थी, ओजस से मैंने पूरा अराउंड 7,000 to 8,000 का जंप मारा। उसके बाद मैंने फिर 5-6 हज़ार, तो अराउंड 22,000-25,000 रुपये फिर मैं वहाँ तक पहुँच गई थी विद इन 3 साल, मतलब 10,000 से मैं 25,000 तक पहुँच गई थी 3 साल के अंदर अंदर। और मैंने दिस इज़ द मतलब स्कूल क्वीन मेरी, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 5 साल जॉब किया, अपनी मैरिज से पहले 1 साल किया, मैरिज के बाद मैंने
मैरिज से पहले 1 साल किया और मैरिज के बाद मैंने 3 साल वहाँ पे वर्क किया। इवन मेरा बेबी भी कोई मेरी स्कूल में ही जॉब करते टाइम ही मैंने वहीं पे कंसीव किया था। और मेरा सब मैंने प्रेगनेंसी के बाद भी डिलीवरी के बाद भी मैंने ज्वाइन किया मेरा क्वीन मेरी स्कूल। एंड मेरे लाइफ का अभी तक का वो अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छा, जहाँ पे मैंने बहुत दिल से मेहनत करी थी, हर एक मतलब कोशिश करी थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि यहाँ पे 2 साल के बाद परमानेंट कर देते हैं। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं टीचर्स को, एज़ वहाँ पे ऐसा था। बट लेटर ऑन वहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि एक तो स्कूल का नाम चेंज हो गया, 2 साल जॉब करने के बाद भी अगेन अगेन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा, परफॉर्मेंस के बेसिस से कुछ भी नहीं हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी थी तभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इंक्रीमेंट भी होता था, लेकिन जिस तरह से परमानेंसी बताई गई थी ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। और मैंने वहाँ पे 5 साल जॉब करने के बाद तब वहाँ से क्विट किया, क्योंकि एक्चुअली स्कूल का नाम जो था क्वीन मेरी से पहले क्वीन मेरी गर्ल्स स्कूल हुआ, क्वीन मेरी गर्ल्स के बाद वो क्वीन्स कॉन्वेंट बन गया, वो क्वीन्स कॉन्वेंट के नाम से है। और फिर जब मेन स्कूल ही नहीं रहा तो फिर आपकी ग्रोथ भी वहीं पे स्टॉप हो गई थी, क्योंकि ना तो वो परमानेंट कर रहे थे, ना वो इतना अच्छा आपको फुल ग्रेड सैलरी दे रहे थे, और इस वजह से मेरे को वहाँ पे भी जॉब छोड़नी पड़ी। तो मैंने आपको बताया कि मैंने इसीलिए लिखा कि मैंने इतने जॉब्स क्यों चेंज किया, मैं भी हमेशा स्टेबल रहना चाहती थी स्कूल्स के अंदर, बट सिचुएशंस ऐसी नहीं थी। और बोलते हैं ना, जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले, जब तक हार नहीं माननी चाहिए, कीप ऑन चेंजिंग जब तक कि आप सेटिस्फाइड ना हो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। जब आपके अंदर टैलेंट है तो अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जहाँ तक आपको किस्मत लेके जाती है, बट येस ऐसा भी नहीं करना है कि जब तक दूसरी जॉब ना मिले तब तक पहली जॉब भी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं आपको ये बोलूँगी। फिर क्वीन मेरी के बाद मैंने कहाँ कहाँ जॉब किया मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। क्वीन मेरी में मेरा डेमो भी हुआ, मेरा रिटर्न भी हुआ था, और प्रिंसिपल मैम के साथ मेरा अच्छा खासा इंटरेक्शन भी हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था। एंड उसके बाद 5 ईयर्स के बाद मेरे को लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला गीता रतन जिंदल स्कूल से, ओजस से और क्वीन मेरी स्कूल से। मैंने अपने जो स्किल्स थे वो ब्रशअप किए, जो टीचिंग स्किल्स थे वहाँ के बाद मेरे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि अब मैं किसी भी इंटरव्यू में जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली क्रैक करके ही आऊँगी, मैं हार के नहीं आऊँगी। और एक्चुअली मैं ऐसा हुआ, जहाँ जहाँ मैंने फॉर्म भरा, जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हमेशा हुआ। जॉब मैंने खुद छोड़ी पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जॉब से कभी फायर कर दिया गया हूँ। उसके बाद मैंने कहाँ कहाँ जॉब करी मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये सब बताने का आपको ये मोटो था कि अगर आप लोग भी परेशान हैं, आप लोग भी कम सैलरी में जॉब कर रहे हैं, तो परेशान मत होइए, कीप ऑन अप्लाइंग इन स्कूल्स, छोटे से और थोड़े बड़े में अप्लाई करिए, फिर थोड़े बड़े में, बट बाकायदा आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका जो डेमो टीचिंग होता है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप लोगों को स्कूल्स अच्छी जॉब देते हैं, अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर देते हैं। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।